नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो निफ्टी है, आप देख सकते हैं आज 500 पॉइंट्स की गिरावट आई है। तो इतनी बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में देखा गया है, तो इसके पीछे क्या वजह है और आगे हमारा मार्केट क्या रहेगा, आगे भी मार्केट में गिरावट आएगा, तो इन सारे बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें हमारे चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे जाइए, इन सारे वीडियोज़ को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि जो हमारा मार्केट है आज क्लोज हुआ है 9293 पॉइंट्स पर। देख सकते हैं आज जो हमारा मार्केट का क्लोजिंग हुआ है 9293 पॉइंट्स पर, और हमारा मार्केट में जो आज गिरावट रहा वो 566 पॉइंट का और 5.74% का, इतना का गिरावट रहा आज हमारी मार्केट में। और आगे कल की संभावनाओं के बारे में भी बात करेंगे और आज मार्केट में क्यों गिरावट रहा और कल क्यों गिरावट आने वाली हो सकती है, मतलब गिरावट हो सकती है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आज देख सकते हैं आज का हमारा ये चार्ट है, ये 1 वीक का चार्ट है। आज का हम आपको चार्ट दिखाते हैं किस तरह का गिरावट का माहौल रहा। तो देख सकते हैं लगातार शुरू से ही मार्केट में प्रेशर बना रहा और लगातार मार्केट जो है नीचे की ओर गिरता गया। तो इस तरह से कुल 5.74% का गिरावट रहा हमारे आज के मार्केट में। और आप 1 वीक का चार्ट देख सकते हैं, हमारा मार्केट जो लगातार अप ट्रेंड में था। फिर आप 1 मंथ में देख सकते हैं कुछ इस तरह का चार्ट रहा, 1 ईयर का चार्ट देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा मार्केट चलता गया। यहाँ पर हमारा जो पिछले वीक में बहुत ही तेज़ी देखा गया था, ये देख सकते हैं बहुत ही शार्प तेज़ी, बहुत सारा तेज़ी ख़त्म हो गया आज। फिर 5 ईयर्स का चार्ट देख सकते हैं निफ्टी का, कुछ इस तरह का रहा है, मतलब 5 ईयर्स में जो लो था यहाँ पर देख सकते हैं, इस लो को टच करने वाला हमारा हो गया था मार्केट एक बार, ऐसा ज़ोरदार गिरावट हमारे मार्केट में आया था। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों हमारे मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया, तो उसका सबसे पहला कारण जो था वो कोरोना वायरस था। लेकिन उसके कारण हमारा मार्केट रिकवर हो चुका था आधा, जो हमारा 7500 पॉइंट्स तक का जो गिरावट आया था हमारे मार्केट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे आधा पॉइंट्स देख सकते हैं हम हाफ दूरी रिकवर कर चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर से आज ज़ोरदार गिरावट आया। तो इसके पीछे क्या वजह है, ये जो दोबारा गिरावट आया, उससे पहले तो हम जान ही रहे कि जो हमारा पैंडेमिक सिचुएशन है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो कोरोना वायरस है उसके कारण गिरावट आया। लेकिन आज जो हमारे मार्केट में फिर से गिरावट आया, उसका पहला कारण था टेंशन बिटवीन US एंड चाइना। US और चाइना के बीच का जो तनाव है वो आज के हमारे मार्केट के गिरावट का पहला वजह रहा, क्योंकि US और चाइना के बीच का जो टेंशन है वो उसी के कारण कल से ही डॉ जोन्स भी गिरने लगा। और देख सकते हैं डॉ जोन्स इसी के कारण कल से ही डॉ जोन्स में भी गिरावट देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं 5 डे का चार्ट देख लीजिए, यहाँ से डॉ जोन्स भी रिकवर हो चुका था। यहाँ से देख सकते हैं कि पिछले 3 ट्रेडिंग डे से डॉ जोन्स भी लगातार नीचे की ओर गिर रहा है। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया US के प्रति कि जो कोरोना वायरस है वो US के वुहान लैब में बनाया गया है, उसके बाद फिर से मार्केट में देख सकते हैं तेज़ गिरावट देखने मिल रहा है। और यहां से आप देखिएगा डॉ फ्यूचर भी लगातार गिर रहा है, आज भी देखते हैं डॉ फ्यूचर में 214 पॉइंट्स का गिरावट है। अभी मार्केट ये खुला रहेगा, जो हमारा अमेरिकन मार्केट है उसमें और भी आपको गिरावट देखने मिल सकती है, लेकिन आज देख सकते हैं आज सिर्फ अभी तक का जो मार्केट है तो 215 पॉइंट्स का गिरावट अभी तक में हो चुका है। आगे भी मार्केट ओपन रहता है, क्या होता है मार्केट रिकवर करता है या और इसमें अधिक गिरावट होती है, तो वो आप कल के वीडियो में देख पाएंगे कि डॉ जोन्स में क्या हुआ, डॉ फ्यूचर में क्या हुआ और हमारे मार्केट में आगे क्या होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अनुसार ही हमारा मार्केट भी अभी बिहेव कर रहा है। जैसा ग्लोबल मार्केट बिहेव कर रहा है वैसा ही हमारा मार्केट भी बिहेव कर रहा है। मुख्य रूप से ग्लोबल मार्केट डॉ जोन्स जैसा बिहेव करता है हमारा मार्केट अप्रॉक्स उसी के अनुसार अभी चल रहा है। कोई आवश्यक नहीं कि जैसा हो वैसा ही चलेगा, लेकिन अभी फॉलो कर रहा है हमारे इस ग्लोबल मार्केट को हमारा मार्केट। उसके बाद देखते हैं जो रुपया है डॉलर के मुकाबले, ये पहले बहुत ही मजबूत हुआ था, देखते हैं 75.27
75.27 रुपीज़। यहाँ तक आ चुका था मजबूत होकर के, फिर से इसमें कमजोरी देखने मिला और फिर से आज मजबूती देखने मिल रहा है, फिर से आज इसमें कुछ मजबूती आया है रुपया में। और आगे हम देखते हैं कि कैसा होता है, तो उसके अनुसार ही हमारा देखते हैं आज रुपया में, देखते हैं थोड़ी सी मजबूती आई है आज रुपया में कुछ पैसों का। तो इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं आगे भी हमारे रुपया में मजबूती आए, जिससे हमारा जो मार्केट है वो और अच्छा करे। उसके बाद दूसरा जो हमारा कारण था जिसके कारण हमारे मार्केट में तेज़ गिरावट देखने मिली, वो है वीक क्वार्टर फोर अर्निंग। बहुत सारी कंपनियों के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए, जैसे रिलायंस का, TCS का, टेक महिंद्रा का। आपने इन कंपनियों का रिजल्ट हमारे जो चैनल है उस पर देखा होगा कि बहुत ही वीक था इसका जो अर्निंग था, बहुत ही वीक था। रिलायंस में जियो थोड़ा उसके अर्निंग को, उसके प्रॉफिट को संभाल के रखा, वहीं TCS का एकदम फ्लैट रिजल्ट आया था क्वार्टर फोर का। टेक महिंद्रा का रिजल्ट बहुत ही निगेटिव आया था। तो ये सारे वीक क्वार्टर फोर अर्निंग जो ये भी इफेक्टेड किया मार्केट को, जिस कारण हमारे मार्केट में तेज़ गिरावट देखने मिला। और अगला कारण है लॉकडाउन 3.0, मतलब तीसरा जो लॉकडाउन है हमारा, ये जो तीसरा लॉकडाउन है जो कि 17 मई तक चलेगा, ये अभी हमारे मार्केट को में गिरावट लाने के लिए मुख्य वजहों में से एक है। तो लॉकडाउन तीसरा जो है, इसके कारण भी हमारे मार्केट में गिरावट देखने मिला। उसके बाद चौथा जो है हमारा वीक ग्लोबल जो क्यूज है, मतलब जो हमारा US और चाइना के बीच जो बढ़ता हुआ तनाव है, पहले भी जो ट्रेड वार था उसके कारण मार्केट में गिरावट प्रेशर देखने मिला था। अभी अब बहुत सारे जो जापान के और जापानीज कंपनी है वो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निकाल रहा है। तो इस तरह बहुत सारे ग्लोबल जो इफेक्ट है, तो जो ग्लोबल इफेक्ट है ये मार्केट को प्रभावित कर रहा है। आप देखेंगे सारे जो ग्लोबल मार्केट है, जो यूरोपियन मार्केट है, जो USA मार्केट है, सब में गिरावट देखने मिल रहा है। इसलिए हमारा मार्केट इफेक्टेड रहा है। तो ये सारे काउज थे जिसके कारण मार्केट हमारा इफेक्ट हो रहा है। और आगे की बात कर लेते हैं, तो जैसे हमारा कल का मार्केट है, तो आज का देख सकते हैं डॉ में कितना पॉइंट्स का गिरावट है, 183 पॉइंट्स का गिरावट देखते हैं आज डॉ में। 183 पॉइंट्स का गिरावट, बहुत ही शुरुआत में बहुत ही तेज गिरावट हुआ था, फिर डॉ यहां से संभला, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया। देख सकते हैं अभी कुल 183 पॉइंट्स का गिरावट हो चुका है डॉ जोन्स में। तो इसी तरह का गिरावट अगर आगे भी चलता रहा तो निश्चित है कि कल हमारे मार्केट में भी प्रेशर देखने मिल सकता है। संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हो सकता है कि कल प्रेशर देखने मिले, और आगे हम कल ही बात करेंगे कि कैसा प्रेशर रहता है। तो आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर, देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट पर हमारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट में, ये हमारा है जो ब्लू लाइन, ये नीचे वाला ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये हमारा है 20 डे का मूविंग एवरेज। तो हमारा जो मार्केट है 20 डे के मूविंग एवरेज के पास में ही है, हमारा जो मार्केट है अभी 20 डे के मूविंग एवरेज के पास, 20 डे का मूविंग एवरेज हमारा देख सकते हैं 9242 20 डे का मूविंग एवरेज है, और उसी के पास है हमारा अभी का मार्केट, क्योंकि आज का हमारा मार्केट क्लोज हुआ है निफ्टी कितना पे, 9293 पर, जो कि शुरू में भी बताया और अभी भी आप देख सकते हैं हमारा जो आज का मार्केट है वो है 9293 पॉइंट्स पर। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो 20 डे के मूविंग एवरेज के पास है। वही जो हमारा पिछले ट्रेडिंग डे था वो हमारा मार्केट 50 डी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था। जो 50 डे का मूविंग एवरेज था वो था कितना, 9728, उससे ऊपर क्लोज हुआ था। वही 100 डे का मूविंग एवरेज हमारा है 10412। तो अभी हम जो है 100 डे के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे हैं, और जो हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है वो है 10891। तो इससे तो और भी बहुत नीचे है। ये देखते हैं ऊपर वाला ब्लू लाइन, ये हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है, ये लाइन हमारा है 100 डे मूविंग एवरेज, और ये जो हमारा लाइन है ये है 50 डे का मूविंग एवरेज, और ये जो नीचे वाला ब्लू लाइन है ये है 20 डे का मूविंग एवरेज। तो कुछ इस तरह से हमारा अभी निफ्टी चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो हमारा RSI है उसमें बहुत ही गिरावट देखने मिली है। कल हमारा RSI था 60 का, और आज हमारा RSI का वैल्यू हो चुका है कितना, 49 के आसपास। तो देख सकते हैं 11 पॉइंट का गिरावट है RSI में, और हमारा जो निफ्टी है वो 50 डे के मूविंग एवरेज से आज आ चुका है 20 डे के मूविंग एवरेज के पास। कल 50 डे के मूविंग एवरेज से भी ऊपर था, आज आ चुका है हमारा 20 डे के मूविंग एवरेज के पास। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो
निफ्टी है, यहाँ से हमारा लगभग ये वी शेप रिकवरी मोड, जो वी शेप का रिकवरी मोड है उसमें जा रहा था। देखते हैं इस तरह के वी शेप रिकवरी मोड में यहाँ से मार्केट में फिर से गिरावट आया है। देखते हैं आप किस तरह का ये फिर से किस तरह से रिकवरी का मोड लेता है, तो उसके अनुसार हमारा आगे का फिर जो है प्लानिंग होगा कि कहाँ पे आपको फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पॉइंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आगे आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें, फिर मार्केट में इन्वेस्ट करें, और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मार्केट में SIP मोड में इन्वेस्ट करें, हर वीक कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें। जैसे आपका कैपिटल 10,000 है तो 1,000 के भाग में डिवाइड कर दें, हर वीक 1,000 इन्वेस्ट करें जैसे मार्केट नीचे आता है। और अगर आपके पास 5,00,000 इन्वेस्ट करना है तो 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, और हर वीक जैसे गिरावट आती है मार्केट में तब इन्वेस्ट करें। और जो आपको मुख्य रूप से है स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं, किस स्टॉक में आपको गिरावट देखने मिल रही है, कौन सा स्टॉक जल्द रिकवर करेगा, इन सब बातों को देख करके आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जो एविएशन सेक्टर है, वॉरेन बफेट साहब का भी न्यूज़ आया है कि वॉरेन बफेट साहब अपने सारे एविएशन सेक्टर के स्टॉक को बेच चुके हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एविएशन सेक्टर अगले कुछ दिनों तक नहीं चलने वाले, अगर सिचुएशन नॉर्मल भी हो जाती है, लोग जो है हवाई जहाज में जाने से परहेज करेंगे, क्योंकि वहीं से कोरोना वायरस शुरू हुआ था, हमारे देश में उसी फॉरेन कंट्री से होते हुए आया था, तो उसमें जाने से भी लोग परहेज करेंगे। और जो वॉरेन बफेट साहब सारे एविएशन सेक्टर के स्टॉक को बेच चुके हैं, तो आपका जो इंडिगो स्टॉक्स है, जो लीडिंग सेक्टर हमारे यहाँ का है, लीडिंग स्टॉक्स, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के करें। उसके बाद जो मारुति है उसका भी कोई भी सेल नहीं हुआ है इस महीने में, और मई में भी नहीं होगा, अप्रैल में भी नहीं हुआ, अब मई में हीरो मोटर कॉर्प कोई सेलिंग नहीं है अप्रैल महीने, मई महीने में महिंद्रा एंड महिंद्रा कोई सेलिंग नहीं है अप्रैल महीने में, और मई महीने में भी वैसा ही उम्मीद रहने का है। तो इन सारे कंपनियों के रिजल्ट सोच सकते हैं कितने प्रभावित होंगे, तो इसलिए आपको सारे प्लानिंग अभी सोच समझ के करना है कि अभी जो आपका रिजल्ट है इतना प्रभाव डाला, और अगले क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो मार्केट पर और भी ज़्यादा बैड इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए संभल करके रहें, अच्छे से इन्वेस्ट करें, जो SIP मोड है उस रूप में इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।